गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था सेट्स के बारे में। तो सेट के बारे में बताया था, सेट क्या होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है और वेल डिफाइंड होती है, दैट इज कॉल्ड अ सेट। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ये बताया था। फिर मैंने बताया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो भी एक सेट है, क्योंकि ऑल नंबर्स आर डिफरेंट और हर एक नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है और क्या है, वेल डिफाइंड है। वन की अपनी वैल्यू है, टू की अलग है, थ्री की अलग है। इस तरह से हमने नंबर सिस्टम भी आपको बताया, जिसमें आपको हेल्प हो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा कैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो उसी के बेस के ऊपर आज हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है। आज हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इस सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में आ जाता है कि आप कितने तरह से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक्चुअली में दो तरह से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए, ये होता है पहली, इसकी पहली रिप्रेजेंटेशन है सेट रोस्टर फॉर्म। एक होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म बोलो या आप बोलो टेबुलर फॉर्म। अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी मैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक टेबुलर फॉर्म होती है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, ठीक, एक होती है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जहां इसको एक और भी नाम है इसका, रूल मेथड। कौन सा मेथड होता है, रूल मेथड। अब आप लोगों को इसके बारे में हम डेफिनेशन भी बताएंगे, लेकिन आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दे दें रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म वो होती है जिसमें एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है, द एलिमेंट्स इन व्हिच एलिमेंट्स आर लिस्टेड, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। बट यू मीन बाय सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में आपने वो जो लिस्टेड एलिमेंट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करना है एक सेंटेंस में, ठीक है। तो अभी हम इनकी आपको डेफिनेशन देंगे। सो बेटा, हमने अभी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे किसकी, रोस्टर फॉर्म की होती है। तो देखो, रोस्टर फॉर्म में आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, रोस्टर फॉर्म के लिए आपको मैंने पहले बताया कि एलिमेंट्स शुड बी लिस्टेड, एलिमेंट्स को लिस्ट में लिखना है, सेपरेटेड बाय कॉमास, उनके बीच में कॉमा होना चाहिए और उनको ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके ऊपर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन वही लिखी है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, आर लिस्टेड, ठीक है। एलिमेंट्स बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमास के साथ एलिमेंट्स को आपने सेपरेट करते हैं एंड आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट्स, और कहां पे होगी, ब्रैकेट्स में रहेंगे वो एलिमेंट्स, और ब्रैकेट्स किस तरह की होगी, इस तरह की, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारी एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं, आपने इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स को देखा होगा, तो सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स भी एक एग्जांपल है हमारे पास सेट की। उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सेट ऑफ वॉवल्स क्या होंगे, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास क्या होंगे, जैसे आप सेट ए में लिख लीजिए, तो ए ई आई ओ यू। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, उनको एक लिस्ट बना, लिस्ट में लिख दिया, ए अलग लिखा, ई अलग लिखा, आई अलग लिखा, ओ अलग लिखा और यू अलग लिखा। तो इसमें आपने ये कौन सी फॉर्म होगी, ये फॉर्म होगी रोस्टर फॉर्म। इसको क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अच्छा ऑल नेचुरल लिख लीजिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स में क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में हम लिख सकते हो लेट इट बी सेट बी है, तो इसमें क्या लिखूं, 1, 3, 7, 9 सो ऑन। तो ये कौन से नंबर होंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स रोस्टर फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, अभी आपको हमने बताया कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट पजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, ऑल द एलिमेंट्स जो होंगे
विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट. वहां पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो आउटसाइड द सेट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि बॉबल्स, सेट ऑफ बॉबल्स मैंने बताया है, क्या बताया है, सेट ऑफ बॉबल्स. सेट ऑफ बॉबल्स में मैंने एक सेट लिखा था ए ई आई ओ ई. तो ये कौन सी फॉर्म थी? रोस्टर फॉर्म. अब हम इसी को सेट रिडल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? इसी को क्या करते हैं, सेट रिडल फॉर्म में लिखते हैं. तो कैसे लिखना है इसको, लिखना कैसे है, लिखेंगे सेम सेट ही लिखेंगे. एक्स इसको बोलते हैं सच दैट, एक्स अगर सेट, एक्स अगर एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट. तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका रूल, कौन सा हो गया, सेट रूल फॉर्म हो गया, जहां रूल मेथड कह सकते हो सेट बिल्ड फॉर्म, ठीक है? तो इसको कैसे लिखा हमने, x अगर x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. तो इसमें हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है. तो अभी आपको हमने क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पोजेस करेंगे सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट पोजेस बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट. तो ये आपकी कौन सी थी, रोस्टर फॉर्म थी. तो अभी हमने इसी को लिखा आप और करके, मीनिंग एक ही है दोनों का, मीनिंग दोनों का एक है, ये भी वोवल्स है और ये भी वोवल्स है. तो इस तरह की एक एक प्रॉपर्टी में आपको उसको इंप्लीमेंट करना, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. x अगर x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है? अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. देखिए जरा, तो अभी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है? इसमें मैंने एक एग्जांपल ली है, एक और एग्जांपल लिख दिया, यानी हमने वोवल्स की ली है, वोवल्स में ये क्या है, इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है? तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है? अपने से लिख लीजिए, जैसे लिखते हैं आप एक सेट लिखो, जैसे लिखते हो 1 2 3 4 5 सो ऑन. तो ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, लिस्टेड हैं और कॉमन में हैं और ब्रैकेट्स में हैं. इसको आपने लिखा रोस्टर, ये थी रोस्टर फॉर्म. कौन सी थी, रोस्टर फॉर्म. अब इसी को सेट रिडल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखेंगे x अगर x इज अ नेचुरल नंबर, क्या है ये, नेचुरल नंबर्स, ठीक है? इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे और एक सेट में लिख लेंगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल. अब मुझे नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए. फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, जैसे एक सेट लेते हैं, उसमें लिखते हैं 4 5 6 7 8 और 9. अब हमें इनको रिप्रेजेंट करना है किसमें, ये तो रोस्टर फॉर्म है, इसको हमें करना है सेट बिल्डर फॉर्म में. तो कैसे करेंगे, देखिए जैसा लिखा यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स, ये तो मुझे पता है कि नेचुरल नंबर है, मुझे पता है कि कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 से ज्यादा है और कम भी से है 10 से. तो हम लिखेंगे x अगर x इज अ नेचुरल नंबर और ऐड कर देना है और यहां पे देना है x 3 से बड़े हैं और छोटे किससे हैं, 10 से. तो ये भी एक आपके लिए बेस्ट एग्जांपल रहेगी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म. ये हमारी रोस्टर फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म, और ये हमारी थी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? तो अभी हमने आपको बताया, जैसे हमारे पास नंबर थे 4 5 6 7 8 9, तो ये नंबर जो थे 4 3 से बड़ा है और 10 जो है 9 जो है 10 से छोटा है. तो हमने क्या किया, इसको एक सीक्वेंस में लिखा. कैसे लिखा हमने कि भाई देखो 3 जो है, एक्स जो है वो 3 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ क्योंकि 3 से तो बड़ा है, तो 3 से बड़ा क्या होता है, 4, और छोटा किससे, 10 से, तो 10 से छोटा क्या होता है, 9. लेकिन नंबर कौन से है, नेचुरल. तो इसलिए हमने इसको लिख दिया, ये नंबर कौन से है, नेचुरल. लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे थी, 3 से ज्यादा और 10 से कम. तो इसमें एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे आप भी लेते हो यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर सारे, जैसे हमारे पास रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक, हम इसको लिखते हैं, ठीक. ये तो आपको पता है कि ये इंटीजर है और ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर. तो इसको लिखेंगे कैसे, अब रोस्टर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो देखिए
इसमें लिखेंगे और करके लीजिएगा, एक ही सेट है हमारे पास, लिखेंगे पहले तो x अगर x इज अ इंटीजर, x क्या है इंटीजर है, एंड यहां पे लिखना एंड, और क्या होगा ये नंबर जो है माइनस थ्री से लेके कहां है प्लस थ्री तक, तो यहां पे लिखोगे माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू थ्री, कहने का मतलब x माइनस थ्री से बड़ा भी है और उसके इक्वल भी है ऑब्वियसली, ठीक है, और x को ही मैंने क्या माना है इंटीजर माना है, और ये सारे क्या है इंटीजर, ये सारे क्या है इंटीजर है, इसलिए x की वैल्यू क्या है माइनस थ्री भी है और उससे ज्यादा भी है, माइनस थ्री से बड़ा, माइनस टू, माइनस टू से माइनस वन, माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, लेकिन थ्री तक है x की वैल्यू, इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू का साइन रखा, इसको हम लेस देन इक्वल लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लेस देन बोलते हैं, इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम कहते हैं ग्रेटर, ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना। तो इसके ऊपर मैं आपको एक दो एक्सरसाइज देने लगा हूँ, आपने इनको करना है, रिप्रेजेंटेशन करनी है, जैसे मैं आपको रिवर्स देने लगा हूँ, इसको ट्राई करना, ये होल टास्क है, इसमें आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर दो इनटू सेपरेटर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, जैसे मैं रोस्टर देता हूँ, रोस्टर फॉर्म में देता हूँ मैं जैसे 1 3 7 9 सो ऑन, तो इसको कन्वर्ट करना है इसमें इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और एक मैं इसमें देता हूँ, ठीक है, जैसे एक कन्वर्ट कर देना है इनटू रोस्टर, ठीक है, ये कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट देता हूँ आपको, एक्स अगर एक्स इज अ इज एन इंटीजर और एक्स क्यूब की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल क्या है 4, तो इसको आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, ये आपने इस रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में, और इस ये कौन सी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो ये आपका आज का होगा।